देखा हम सबके आज़ादी भाई लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, कोई किसी को भी मिल सकता है, जिसकी जो विचारधारा है वो अपने विचारधारा के लोगों से जाके मिलेगा। बाकी एक बात बता दें, कुछ भी मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पूज्य महाराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम किया, हम लोग 350 से ज़्यादा सीटों से आएंगे, वो कोई भी आ जाए, किसी से भी मिले, हम लोगों को वहाँ की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारा संगठन हम लोगों को ये सिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर क्या काम कर रही है। हम लोगों का फोकस अर्जुन जैसे मछली की आँख पर रहता है, वैसे रहता है, कौन क्या किसी को मिलता है उसका मतलब, हमारे पास कार्यशैली इतनी है कि हम लोगों को भय किसी से नहीं, हमारे सत्य महाराज जी का काम है, हमारे साथ संगठन बैठा, हम लोग निरंतर 24 घंटा काम करते रहते हैं। कोरोना काल में 18 करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ज़मीन पर थे, क्या मुख्यमंत्री, क्या सांसद, क्या विधायकगण, क्या कार्यकर्ता, सब लोग, कोई भी पार्टी का नहीं, लोग अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गए, अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, ये लोग किस मुँह से जाएंगे और वोट मांगेंगे। हमको तो पहले यही नहीं समझ में आता कि कैसे इनको वोट मिलेगा, क्या बोलेंगे, ये लोग कोरोना काल में कहाँ थे, कब थे, जब अनाज क्या इन लोगों ने बांटा, क्या फ्री वैक्सीन दी, हम लोगों ने जो जो कार्य किया, हम लोगों ने जैसे अस्पताल या सिलेंडर अरेंज किया, हम लोगों ने 15 दिन में जैसे कंट्रोल किया इस महामारी को, क्या इन लोगों के पास कोई मुँह है, क्या ये लोग बता पाएंगे कि हमको वोट इस अधिकार से दें, इनका समुदाय, इनकी बिरादरी इनको नहीं देगी, क्योंकि इनके बिरादरी वालों को अस्पताल हम लोग ले जा रहे थे, हम लोग उनको फ्री वैक्सीन पहुंचा रहे थे, हम लोग हाथ गोड़ जोड़ के कि माई वैक्सीन लगवा लो, जान बची, जहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे थे कि जहर बायकरे में, विरोधी पार्टी बोल रही थी इसमें पानी है, ये भाजपा की वैक्सीन है, आज उनके सारे दिग्गज नेता छुप छुप के लगवा रहे हैं, हमारे पास सबकी फ़ोटो है, सारे नेताओं ने छुप छुप के जो लगवाया है, तो ये लोग कौन मुँह से जाएंगे और ये लोग वोट मांगेंगे, कौन मुँह से 2022 ये लोग जीतेंगे, तो यही बात सोचने जैसी है। आप लोग खुद ही सवाल ये कर रहे हैं, सोचिए मीडिया कर्मी भी ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी कैसे, सपा और बसपा और कांग्रेस कैसे जीतेगी, ये लोग पेड़ से उल्टा भी लटक जाएंगे तब वो लोग वोट नहीं पाएंगे। सवाल कौन दागेगा, चलिए और आज आप यहाँ पे एक साहित्यिक गाने का लोकार्पण कर रहे हैं, क्या इसको माना जाए कि अब कल्चरल वार शुरू हो गया है जो संगीत के माध्यम से, क्योंकि समाजवादी पार्टी से खेसारी लाल यादव के भी आने की उम्मीद है। अच्छा देखिए, मैं दो दिन पहले महाराज जी के पास था, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मैंने उनको चिट्ठी दी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं सेंसर बोर्ड डेफिनेटली लाऊंगा, भोजपुरी की अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए महाराज जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया कि, और मैंने उनको बाकायदा पत्रक भी दे दिया जो मैं पहली बार आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूँ, कि पत्रक में ये लिखा था कि अश्लीलता, अश्लील फिल्मों को सब्सिडी ना दिया जाए, अश्लील गाने अगर आते हैं तो उनको बैन लगाया जाए, और उत्तर प्रदेश में एक सेंसर बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश में सेंसर बोर्ड भोजपुरी सिनेमा का हो, मुंबई में है तो मुंबई में शायद उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता जो सेंसर बोर्ड के सदस्य बैठे रहते हैं कि किस गानों को, कौन से शब्दों को रोकना चाहिए, किसको काटना चाहिए। माता बहनें बेटियों के साथ हम लोग बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं, डीजे शादी ब्याह में बज रहा है तो शर्म के मारे, लाज के मारे मूड़ी नीचे हो जाता है, तो उसके लिए, और पूरा मैंने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी दी, जैसे पूरे देश को पता है, नीतीश जी को, मुख्यमंत्री बिहार को भी चिट्ठी लिखी है, तो अब इस पर रोक और बहुत कठोर कानून बनाया जाएगा ताकि भोजपुरी हमारी समाज, हमारी माई के बोली, हम किस, हमारी संस्कृति, हमारी सोसाइटी को बिगाड़ें ये लोग नहीं, जिनको कोई अधिकार नहीं है, कुछ लाख रुपया कमाने के लिए आए हैं, हम लोग खून पसीना दे के, मैंने अपनी अपने इस खेत को जोता है, मैंने इसकी लड़ाई लड़ी है और पूरा देश जानता है कि रवि किशन इसकी लड़ाई कई सालों से लड़ रहे हैं, आज इंडस्ट्री को इतना बड़ा हमने बनाया, इनको कोई अधिकार नहीं कि आकर मेरे उस इंडस्ट्री को जिसमें मैंने अपना खून पसीना दिया है उसको अश्लील गानों से या अश्लीलता के साथ उसको नीचा दिखाएं, ताकि मैं भी समाज में कहीं सर उठा के चलूं, कहीं ये ना कोई कहे हम पर, आरोप ना लगाए कि देखा हो तोहरा इंडस्ट्री बा, देखा कैसन गाना बजाता। तो आज पूरी केंद्र की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूज्य महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हम लोग भोजपुरी में अश्लीलता को ख़त्म करने के साथ पूरी तरह खड़े हैं और उन लोगों का सबका आशीर्वाद है, और इसको मैं चूंकि सीनियर हूं भोजपुरी सिनेमा का, मुझे अधिकार है कि मैं बोलूं अपने जूनियर से कि आप लोग अश्लील गाने ना गाएं और इस पर कठोर कानून लाया जाएगा। आप
ये भविष्य हैं अमित बाबू, हमारे पूर्वांचल माटी का बहुत नाम ऊंचा करेंगे। हम लोग को गर्व होता है जब ऐसे पूर्वांचल से रवि किशन होते हैं, वहाँ अमित भी आते हैं और अमित जैसी सुरीली आवाज़ प्लेबैक सिंगिंग के लिए आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़े गायक बनेंगे और बहुत सारा आशीर्वाद है उनको और एक लंबे पारी की मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। संजय जी, आप भोजपुरी सिनेमा के गार्जियन हैं, तमाम कलाकार पूर्वांचल के आपको फॉलो करते हैं, जो पूर्वांचल के लोग कहते हैं कि डिजिटल का भी काफ़ी मार्केट बढ़ रहा है, तो उन कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप गोरखपुर के सांसद भी हैं, तमाम कलाकारों के मन में अब ये ख्याल है कि हमारे सांसद जो हैं रवि किशन शुक्ला जी हैं, तो उनके लिए आप कुछ करें। मैं आज आप लोगों के माध्यम से समस्त पूर्वांचल के कलाकार, गोरखपुर के कलाकार, हर विधा के कलाकारों को ये गारंटी देता हूँ कि पूज्य महाराज जी ने खुद कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आप यहाँ लगाइए, सब लोगों को यहाँ काम मिलेगा, कहीं आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना काल ने हम लोगों की गति को थोड़ा रोक दिया था। नोएडा में आप लोग देख ही रहे हैं कि सबसे ऐतिहासिक फिल्म सिटी बन रही है। भोजपुरी का सारा काम जो मेरा दिमाग है उसका हेडक्वार्टर मैं बनाना चाह रहा हूँ गोरखपुर में। आने वाले समय में आप लोगों को यहाँ पर बहुत काम मिलेगा। अपने रियाज को रखिएगा, अपनी तपस्या रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस ऑन रखिएगा, फिटनेस पर ध्यान दीजिएगा, कसरत करिएगा और अपने आप को फिट रखिएगा, काम आप लोगों के पास चलकर गोरखपुर में आएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। भोजपुरी सिनेमा के जितने भी बड़े स्टार हैं सब आपके छोटे भाई हैं, लेकिन बात विवादों का दौर चल रहा है, पूरा परिवार लड़ रहा है और तमाम कलाकार जो हैं जिनको करोड़ों करोड़ों लोग दर्शक फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एक इंस्पायर हैं और वो लोग लड़ेंगे तो भोजपुरी समाज और भोजपुरी भाषा का विकास कैसे होगा। हाँ, ये है उन लोगों के सोचे के चाहिए कि देखिए हम भी थे, हमारे साथ मनोज तिवारी भी, हमारे छोटे भाई वो भी थे, हम लोगों ने एक सम्मान से इस इंडस्ट्री को बढ़ाया। इन लोगों को आपस में ये सब नोचा नोची नहीं करना चाहिए, इन लोगों को बहुत ग्रेसफुली आगे ले जाना चाहिए, ताकि ये नहीं बोले कि देखा वो भोजपुरी वाला पैसा तो कमा लेना, करोड़ों को गाड़ी, करोड़ों का कार तो आ गई बा, लेकिन अब वहीं एक दूसरे का कपड़ा फाड़ा तड़न। तो मैं सब लोग, जितने भी मेरे छोटे भाई लोग हैं, जितने भी सुपरस्टार बन चुके हैं अभी, आप लोगों से बोलता हूँ कृपया आपस में ना लड़ें, उसको डिजिटली ना लड़ें। आप लोग यूट्यूब पर आके कहाँ लड़ते हो हमको समझ में नहीं आता। लड़े के बाद कहो के कुछ फरियाए के बाद ओकरे घरे चल जा, फरिया लो हर से, अपन चैनल खोल के फरिया वाला ही हमके बुद्धि समझ में नहीं क्या आवत। अरे कहाँ है तुम लोग, लड़का लोग कहाँ जाना है? हेलो, हाउ आर यू गुड़िया, कैसे हो बेटा? वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। प्राउड पापा नो, यू आर प्राउड फॉर योर फादर नो, वी आर प्राउड फॉर यू। अरे ना, थैंक यू। अरे थोड़ा सा सामने से हट जाइए, थोड़ा यादव मिले हैं अभी, चर्चाएं ऐसी हैं कि गोरखपुर से चुनाव भी लड़ सकते हैं, किस तरह देखते हैं सांसद जी? देखा, हम सबके आज़ादी भाई, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, कोई किसी को भी मिल सकता है, जिसकी जो विचारधारा है वो अपने विचारधारा के लोगों से जाके मिलेगा। बाकी एक बात बता दें, कुछ भी मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पूज्य महाराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम किया, हम लोग 350 से ज़्यादा सीटों से आएंगे, वो कोई भी आ जाए, किसी से भी मिले, हम लोगों को वहाँ की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारा संगठन हम लोगों को ये सिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर क्या काम कर रही है। हम लोगों का फोकस अर्जुन जैसे मछली की आँख पर रहता है, वैसे रहता है, कौन क्या किसी को मिलता है उसका मतलब नहीं। हमारे पास कार्यशैली इतनी है कि हम लोगों को भय किसी से नहीं, हमारे सत्य महाराज जी का काम है, हमारे साथ संगठन बैठा, हम लोग निरंतर 24 घंटा काम करते रहते हैं। कोरोना काल में 18 करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ज़मीन पर थे, क्या मुख्यमंत्री, क्या सांसद, क्या विधायकगण, क्या कार्यकर्ता, सब लोग, कोई भी पार्टी का नहीं, लोग अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गए, अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, ये लोग किस मुंह से जाएंगे और वोट मांगेंगे? हमको तो पहले यही नहीं समझ में आता कि कैसे इनको वोट मिलेगा,
क्या बोलेंगे लोग, कोरोना काल में कहाँ थे, कब थे, जब अनाज क्या इन लोगों ने बांटा, क्या फ्री वैक्सीन दी, हम लोगों ने जो जो कार्य किया, हम लोगों ने जैसे अस्पताल या सिलेंडर अरेंज किया, हम लोगों ने 15 दिन में जैसे कंट्रोल किया इस महामारी को, क्या इन लोगों के पास कोई मुँह है, क्या ये लोग बता पाएंगे कि हमको वोट इस अधिकार से दें, इनका समुदाय, इनकी बिरादरी इनको नहीं देगी, क्योंकि इनके बिरादरी वालों को अस्पताल हम लोग ले जा रहे थे, हम लोग उनको फ्री वैक्सीन पहुंचा रहे थे, हम लोग हाथ गोड़ जोड़ के कि माई वैक्सीन लगवा लो, जान बची, जहां के लोग उसका विरोध कर रहे थे कि जहर बैकरे में विरोधी पार्टी बोल रही थी इसमें पानी है, ये भाजपा की वैक्सीन है, आज उनके सारे दिग्गज नेता छुप छुप के लगवा रहे हैं, हमारे पास सबकी फ़ोटो है, सारे नेताओं ने छुप छुप के जो लगवाया है, तो ये लोग कौन मुंह से जाएंगे और इन लोग वोट मांगेंगे, कौन मुंह से 2022 ये लोग जीतेंगे, तो यही बात सोचने जैसी है। आप लोग खुद ही सवाल ये कर रहे हैं, सोचिए मीडिया कर्मी भी ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी कैसे सपा और बसपा और कांग्रेस कैसे जीतेगी, ये लोग पेड़ से उल्टा भी लटक जाएंगे तब वो लोग वोट नहीं पाएंगे। क्या करने जा रही है अस्मिता को लेकर के, और केंद्र सरकार के आप उस कमेटी के सदस्य हैं जो इस समय को रेगुलरली देखती है। संस्कार भारती के हम सदस्य हैं और हमने पूज्य महाराज जी को परसों पत्रक दिया है कि सेंसर बोर्ड लाया जाए भोजपुरी की अश्लीलता के, भोजपुरी को जो सब्सिडी उन फिल्मों को ना मिले जहाँ पर भोजपुरी में गंदगी परोसी गई है या गंदे शब्दों का है, तो और महाराज जी ने मुझे आश्वासन दिया आशीर्वाद के रूप में कि डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों को रोका जाएगा और ऐसी फिल्मों को और ऐसी भाषाओं को बढ़ाया नहीं जाएगा। आइए अध्यक्ष जी, धर्मेंद्र भैया आशीर्वचनों के लिए मैं आप सब जिनका नाम सुनना चाहते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रवि किशन जी को मैं आवाज देना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले सर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप महादेव के अनन्य भक्त हैं, तो मैं चाहूंगा आपकी एक नजर होनी चाहिए, चार महीने आपके लिए लिख करके मैं लाया था, बोले धर्म सर। संगमरमर की तू बात न कर मुझसे, संगमरमर की तू बात न कर मुझसे, मैं चाहूं तो दास्ताने मोहब्बत लिख दूं, संगमरमर की तू बात न कर मुझसे, मैं चाहूं तो दास्ताने मोहब्बत लिख दूं, और आसमां भी झुक जाएगा उस पत्थर के आगे जिस पत्थर पे मैं अपने प्रभु महादेव का नाम हर हर महादेव। और मैं सीधे सीधे मैं सोता हूं सर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान निस्वार्थ सच्चे बहुत मेहनती कर्मठ ईमानदार पूज्य महाराज जी के निकटतम क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जी, और उन्होंने अभी बहुत अच्छा हम उनसे पूछे कहा वो भिखारी अतुल जी के पीछे जान लिया, तो ये होता है एक नेता का प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुरंत समझना, शब्दों को पिरोना और भावनाओं को समझना, माहौल को पकड़ना और दिल को छू लेना, बड़ी सुंदर बात। वैसे ही हमारे तेज तरार नेता महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे प्रिय महामंत्री प्रदीप शुक्ला जी, स्वागत है आंसू भैया जिनके ब्याहे में हम गए थे और पूरा मंच टूटा था, तो हमको बोले भैया सांसद जी कब निकलत हुआ, तो हमने तुरंत अपने ब्याह से निकाले ऐसे आंसू जी। और जुगानी जी के बारे में जैसा आप लोगों से इस गोरखपुर की या पूर्वांचल का कण कण इनको जानता है, इनकी आवाज गूंजती, एक अमीन सियानी जी की आवाज थी, एक जुगानी जी की आवाज, आप लोग उसी आवाज से बड़े हुए,
पीएचडी उन्होंने उस जमाने में किया जहां पीएचडी लोगों को पता नहीं था। ऐसे साहित्यकार और भोजपुरी के रक्षक, भाषा के योद्धा, भोजपुरी को जीवित रखने वाले, मैं उनको नमन करता हूं, आपको मैं वंदन करता हूं। आपका स्वागत और जितने कलाकार बंधु, मीडिया कर्मी, जितने मेरे भाई हैं जो मीडिया ने मुझे, जब मैं कोई कुछ नहीं था मुंबई शहर में, बम्बई था तब, मीडिया ने ही मुझे बनाने में बड़ी मदद की। वो मीडिया, मेरे पूर्वांचल का मीडिया, गोरखपुर का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और मुंबई से बहुत सारे मीडिया कर्मी आए हैं। वो चेहरों को देख के भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अमित बाबू, आपने सब लोगों को बुलाया, आपका बहुत धन्यवाद कि मेरे कुछ पुराने मित्र भी यहाँ मुझे दिखाई दिए जो बम्बई में दिखते थे। बिहारी ठाकुर जी के लिए अश्लीलता, आपको पता है कि अश्लीलता की एक लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ भोजपुरी में। अश्लीलता आप लोगों को जान लेना चाहिए, आप लोग मुझे एक सांसद के रूप में भी जानते हैं, लेकिन अगर आप मेरे इतिहास को पढ़ेंगे तो भोजपुरी को तीसरे दशक में इस सिनेमा इंडस्ट्री को शुरू करने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। आज एक लाख लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। हमको उस वक्त लोग पागल कहते थे, लेकिन मेरे पास जुनून था, महादेव का आशीर्वाद था और मुझे पता था इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी 1962 में, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर, नजीर हुसैन साहब जो गाजीपुर के थे, उन्होंने हे गंगा मैया तो पेरी चढ़ वो बनाई थी फिल्म, बहुत बड़ी हिट थी। फिर उसके बाद तो चला आए, फिर इंडस्ट्री बंद हो गई। तीसरे दशक में हम आए मोहन जी प्रसाद जी के साथ, जो हमारे मेयर साहब हैं, उनके कजिन ब्रदर थे, शाहबादी परिवार। हमारे मेयर साहब झारखंड, पहले बिहार में हुआ करता था, वहाँ से है उनका पैतृक स्थान, वहाँ से हमारे जो मेयर साहब हैं सीताराम जी। सो वो फिल्म बंदों की सैया हमारा शुरू हुई, सैया हमारा ब्लॉकबस्टर हुई। फिर एक फिल्म मेरी आई कब हुई कौन हमारा, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, पहली भोजपुरी फिल्म। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला, बहुत फिल्में की, बहुत अनगिनत फिल्में की, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी कुछ दिनों में हम देख रहे हैं 4-5 साल में अश्लीलता बढ़ गई। तो भोजपुरी में हम जहाँ भी जाते कहा हो कहरा भोजपुरी है, तुम भोजपुरी हीरो बड़ा ही कौन गाना बा, सबके लगत रहे कि जो एल्बम में गाना बना था, ये जो जो नया हीरो लोग आई ना, ये लोग जो गाना गा था भोजपुरी संस्कृति बा, जिन लोगों की मालूम है नहीं कि भोजपुरी का एक 1000 साल पुराना इतिहास बा, भोजपुरी का लिटरेचर बा। बिहारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, विदेशी आए को नाटक रहे जी, हम ये गोरखपुर फेस्टिवल में करवाया है, खुद खड़ा हो गए। विदेशिया नाटक पर बहुत ताली बजी थी और हमारे यहाँ के बच्चों ने मंचन किया था पहली बार, अद्भुत किया था। उसको हम लोग अभी विदेश में बेचने, कोरोना नहीं आता तो मैं विदेश में बेचना चाह रहा था गोरखपुर के कलाकार बच्चों को, वो एक प्लानिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो अद्भुत नाटक है, वो बड़ा प्यार से सब लोगों ने किया था। और ये भिखारी ठाकुर जी थे जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था। तो भोजपुरी का वो इतिहास बा, लिटरेचर बा। पहले कोर्ट कचहरी में भी बिहार में भोजपुरी इस्तेमाल होती थी। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए हमने प्राइवेट बिल भी सदन में डाला, मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने प्राइवेट बिल डाला है। और महादेव चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद होगा, हम लोग भोजपुरी को 8वीं ये लाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भोजपुरी बोल रहे हैं। जब भी जाना हो काशी और जब भी हमसे मुलाकात हो, का हो का हाल वहाँ हमसे पूछना, कैसे हैं तुम्हारे महादेव, हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मेरे साथ रूबरू होते हैं, तो ऐसी बात होती है। तो वो भी होगा तो भोजपुरी के लिए अमित बाबू ने इतना बढ़िया बेटी बिछवाई किया, आपकी आवाज़ में बहुत बहुत आत्मा है। आपको महादेव बहुत आगे बढ़ाएंगे। अभी फिल्म इंडस्ट्री का काम रुका हुआ है कोरोना के चलते, जैसे शुरू होगा मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको इस मंच पर वचन देता हूँ कि मैं आपको एक गाना ज़रूर गवाऊँगा, एक प्लेबैक सिंगिंग एक फिल्म में आप ज़रूर गाओगे और आप ऐसे नाम रोशन करें। बस मैं यही बोलता हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं हमारे हमारे, जैसे आपको बताया कि माननीय गुरुपुर सांसद जी उनका देहांत हो गया है, तो आज हम लोगों को सब लोगों को वहाँ भी जाना है। रमापति राम त्रिपाठी जी के पुत्र का तो बहुत दुखद शॉक हुआ, बहुत यंग थे वो और संत कबीर नगर के सांसद थे, तो आज हम लोगों को वहाँ भी सब पूरे संगठन को जाना है। वैसे आप लोगों ने समय दिया इस नए कार्य के लिए, अमित बाबू ने समय दिया, अमित बाबू ने सबको बुलाया, आपका धन्यवाद। मैं कभी आपसे इत्मीनान से और बातें करूँगा। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, आपके म्यूजिक डायरेक्टर को धन्यवाद, एवरीबॉडी जो भी आपके साथ जुड़े हैं,
फैंटास्टिक वर्क। हमारे व्यवसायी भाई लोग भी यहाँ बैठे हैं, जयसवाल जी, ज्ञानमणि त्रिपाठी जी, वाह, और अविनाश चौरसिया जी, ज्ञानमणि त्रिपाठी जी, अब आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि पीठ पीछे ऐसी इनको पढ़ाई लागे। और कोई नाम हम भूल जा रहे हैं, सब लोगों को मैं एक साथ प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जी। बोला नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर कई देशों में जिनकी बड़ी प्रसिद्धि है, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के लोकप्रिय यशस्वी सांसद सम्मानीय रवि किशन शुक्ल जी, हमारे क्षेत्र के महामंत्री प्रदीप शुक्ला जी, महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, और जिनकी रचना और जिनके भगवती जागरण कार्यक्रम में मैं स्वयं कई बार रहा हूँ, एक प्रसिद्ध लोकगीत गायक और कलाकारों को स्थानीय प्रतिभा को की हौसला अफजाई करते हुए पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिनके भी भगवती जागरण के और इस प्रकार के भजन कार्यक्रम होते हैं, मैं स्वयं कई कार्यक्रमों में भागीदार रहा हूँ। भोजपुरी के स्टार सम्मानी अमित अंजन जी और यहाँ उपस्थित इस विधा के लिए अपना आप सब आशीर्वाद देने आए सभी बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले अमित अंजन जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि भिखारी ठाकुर जी जो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते थे और जिन्होंने एक अपनी मिट्टी से गांव के लोगों को जोड़ जोड़ करके रामलीला के माध्यम से इस प्रकार के कहानियों को, ऐसी छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच पर लाने का काम किया, ऐसे सम्मानित भिखारी ठाकुर जी को केंद्र में रखते हुए जो अभी हम लोग इस स्क्रीन पर पूरा नहीं देख पाए, लेकिन किस प्रकार से इस गीत को गाते समय अमित अंजन जी की आंखों में वो दृश्य दिख रहा था, वो भाव दिख रहा था, मैं थोड़ी देर में देखा। और अपनी भोजपुरी माटी, अपनी माटी से जुड़ करके जिस प्रकार से इस प्रकार की विधा को आगे बढ़ाने का काम है कर रहे हैं, मुझे विश्वास है शिवावतारी भगवान गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा कि आप इस प्रतिभा को मंच पर ले जाने का काम देश और दुनिया में गोरखपुर का, महाराजगंज का, इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। मैं आप सबको आज के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए, आप सबका हृदय से अभिनंदन देते हुए और अमित अंजन जी को इस बात के लिए बधाई देते हुए कि निश्चित रूप से इस प्रकार की जो विधा शुरू किया है आपने, ये और आगे जाएगी और भारत के तस्वीर पर गोरखपुर और इस क्षेत्र का, पूर्वांचल का नाम रोशन करेंगे।
बहुत बहुत बधाई देते हैं, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। प्रभाकर जी, मीडिया कर्मी के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्वांचल का एक नामचीन चेहरा जो परिचय का मोहताज नहीं। तालियां आपकी कमजोर पड़ रही हैं, एक बार जोरदार तालियां, ज्यादा देर तक ताली नहीं बजा रही। अब इसके बाद वो समय और एक बार फिर से विश्वजीत सुधांशु जी को अंगवस्त्र देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। वीर सिंह जी, हाँ, वीर सिंह एक लोक गायक है, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश, श्री अविनाश चौरसिया जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि अंगवस्त्र देकर के सम्मानित करने के लिए एक बार फिर से मैं आवाज दे रहा हूँ श्री अमित अंजन जी को, श्री महेश चौरसिया जी। हेलो, ठीक है, शुक्ला जी भी मौजूद हैं, आपका भी माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री नवीन सिंह जी को। जी हाँ, क्षेत्रीय महामंत्री हैं हमारे गोरखपुर क्षेत्र के, इनका माल्यार्पण का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। साथ ही साथ विश्वजीत, श्री विश्वजीत सिंहाशु जी हमारे बीच मौजूद हैं, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा गोरखपुर से, आपका भी माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जी मृणाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, सर का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे माल्यार्पण कर। भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी आप भी मौजूद हैं, पूरी बेटी बिछड़ो टीम की तरफ से आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत। एक बार फिर से सम्मान किसी कड़ी में क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी को। भोजपुरी जो रीजनल सिनेमा है वो सबसे बड़ी सिनेमा है, सबसे ज़्यादा हमारे पास दर्शक हैं, फिर भी हम सिंगल थिएटर पे अटके हैं। यही कहीं ना कहीं कारण है, कलाकार जो हैं, बड़े प्रोड्यूसर जो हैं, रिस्क नहीं ले पाते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। नए लोग ही फिल्में बनाते हैं, जो पुराने लोग हैं फिल्में नहीं बनाते हैं, ताकि आप एक मार्गदर्शक हैं, मेगा स्टार हैं, तो कब हमारी भोजपुरी सिनेमा PVR में मल्टीप्लेक्स में लगेगी? आएगी। बहुत अच्छा सवाल, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा सवाल कहला, और ये समय वापस आएगा। जो मैंने ये मुहिम छेड़ी तब से बहुत सारे अश्लील गाने बंद हो गए, फिल्मों का भी रुख बदल गया। आने वाले समय हम लोग भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जाएंगे, और हम लोगों को भी ऐसा अगर अच्छी फिल्में बनेंगी तो पूज्य महाराज जी ऐसा रूल ले आएंगे जैसा महाराष्ट्र सरकार ने लाया कि हर मल्टीप्लेक्स में एक मराठी फिल्म लगनी चाहिए, वैसे भोजपुरी, लेकिन उस काबिल भोजपुरी फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली वो कानून लाया जाएगा। और एक भोजपुरी का भी आने वाला समय बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर भोजपुरी के व्यूअर हैं यूट्यूब पे तो वो भोजपुरी समाज के हैं, 25 करोड़ का वर्ग है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए इन लोगों को, और इसको इससे कई लाखों लोगों का रोज़गार और चलेगा अगर इसको बुद्धि से लिए। धन्यवाद, बहुत हो गई लो, चला जाए। हाँ जैसे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी कहलन, बहुत अच्छा डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कुल संगठन कहा था बैठ के कि भैया वो कहें कि सब लोग भोजपुरी बोलन, हमनी लोगन का माई भोजपुरी बा, हमनी लोगन का भाषा भोजपुरी बा, हमनी लोगन के वोट भोजपुरी समाज देले, हमनी लोगन का पहचान भोजपुरी बा। तो आज सबसे कहा कि अमित बाबू के बहुत साधुवाद, और आज सब इन लोगों के, आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन मिलके आशीर्वाद देता कि साफ सुथरा यह तरह अमित बाबू और जितने भी सिंगर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो गोरखपुर के मंडल के हैं, गोरखपुर जनपद के हैं, पूर्वांचल के हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, कि आप लोग कृपया साफ सुथरा गाइए। देखिए जितनी भी हिट फिल्में थी, ए गंगा मैया तो हैं पेरी चढ़े वो, या आप जितनी भी फिल्में, आप बाहुबली देखे तेलुगु की, कोई अश्लीलता नहीं थी, या जो भी यश चोपड़ा जी की फिल्में आती थी जहाँ पे कोई, और जितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं हिंदुस्तान की, कहीं पर अश्लीलता नहीं है, क्योंकि वो परिवार के साथ देखा जा रहा।
जो भी अच्छा सिनेमा होता है उसको दर्शक गण ज़्यादा बढ़ते हैं, अच्छा गाना जो बहुत बड़ा हिट होता है उसमें अश्लीलता नहीं होती, आप गौर करिएगा। तो आप लोग कृपया अश्लीलता को छोड़ दें, त्याग दें, ये जो एल्बम बजा रहे हैं या दो तीन लोग आके सबको लग रहा है जो घिनवा दिए हैं, आप लोग कृपया उस पथ पर ना चलें, नहीं तो बाद में आने वाला समय आप लोगों के बहुत 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 सुनाई हो कि का हो बंगला गाड़ी बना लेला लेकिन का गईला समाज के दूषित कह देला तू, तो ये भी सुनने मिलेगा। बाल बच्चा तो जब बूढ़ा जीबा बैठबा तो लोग बोलिए का हो बूढ़ऊ काम कमा तो लेला लेकिन का गा के कमेला, तो का कौन गामा सुनैबा, कौन सिनेमा अच्छा की हो, बंगला तो ले लिए लेकिन का क्या की हो, तो अच्छा काम करके कमाए हो तो ठीक है, नहीं तो बाल बच्चा हो गोजी मारी चला। क्रम में हमारे बीच उपस्थिति हो चुकी है हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इनका माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री महेश चौरसिया जी को। जी हाँ, श्री महेश चौरसिया जी भाजपा कार्यालय महाराजगंज के व्यवस्था प्रमुख हैं एवं सोशल मीडिया के साथ संयोजक अभी कल ही बनाए गए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माल्यार्पण के लिए। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री मदन राजभर जी को जो कि पूर्व भाजपा विस्तारक रहे हैं हमारे बीच, वो भी मौजूद हैं, आपके माध्यम से भी सरकार अंग वस्त्र दे करके अभिनंदन होगा। साथ ही साथ हमारे बीच स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बड़े भाई श्री अमित अंजन जी को और साथ ही साथ श्री आशीष कसौधन जी को, संयुक्त रूप से सबको स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। एक बार यहाँ पे भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक अच्छा माहौल बनता हुआ यहाँ पे। इनका भी अभिनंदन होना चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं शहर के सबसे बड़े टाउनशिप जो कि तारामंडल में स्थित है पसेरा इंफ्रासिटी के ओनर श्री ज्ञान प्रकाश मणि जी, आपका भी हम इस पूरी बेटी बिछवा टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। आपका माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सिसवा बाजार के वरिष्ठ व्यवसायी और युवाओं के आदर्श श्री अनूप जायसवाल जी का, माल्यार्पण कर आपका भी स्वागत हो, अभिनंदन हो, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जायसवाल जी। साथ ही साथ मैं हमारे बड़े भाई श्री अमित अंजन जी के छोटे भाई श्री नंदन जायसवाल जी ने हम प्यार से मूर्ति जी कहते हैं, आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो सर को स्मृति चिन्ह दे करके अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, नमन करेंगे। नंदन जायसवाल जी के द्वारा स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत होता हुआ यहाँ पे बसेरा इलेक्ट्रिसिटी के ओनर श्री ज्ञान प्रकाश मणि जी का, तमाम योजनाएं इनके माध्यम से चलती हैं। शहर में अंबिका हाइट और जुबली टाकीज कॉम्प्लेक्स और तमाम ऐसे कॉम्प्लेक्स के ये ओनर हैं, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पे। साथ ही साथ मंचासीन केडीएस एसोसिएट के ओनर श्री अविनाश चौरसिया जी यहाँ पे मौजूद हैं, आपका भी हम इस बेटी बिछुआ टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। इनका माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ग्रीन लैंड वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव श्री सत्येंद्र सलोना जी को। श्री सत्येंद्र सलोना जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ माल्यार्पण करने के लिए बार फिर से मैं आवाज देना चाहूंगा बड़े भैया श्री अमित अंजन जी के अजीज मित्र श्री नवीन सिंह जी को। श्री नवीन सिंह जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, अंगवस्त्र दे करके सर का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, नमन करेंगे।
सम्मान की अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में रेडियो उद्घोषक, हम लोग के मार्गदर्शक जिनका सतत प्रेम स्नेह और सहयोग इस पूरी टीम को मिला, हमारे जुगाने भाई जी का एक बार जोरदार तालियां यहां जरूर बजनी चाहिए। मैं इनकी शख्सियत के बारे में क्या बताऊं कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक बालक इनकी रचनाओं के ऊपर रिसर्च करता हुआ आपको मिल जाएगा, तो एक बार जोरदार तालियां इस बात पे भी बजनी चाहिए। इनका माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मीडिया जगत से उपस्थित यहाँ पे श्री देवेश पांडे जी और श्री विष्णु प्रभाकर जी, संयुक्त रूप से आप जी गणेश जी हैं यहाँ पे, आपकी इमेज ले लेंगे, संयुक्त रूप से आप माल्यार्पण कर सर का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, नमन करेंगे। साथ ही साथ एक बार फिर से इन्हीं का माल्यार्पण करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री निखिल रंजन जी को। श्री निखिल रंजन जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आ जाए। ग्रीनलैंड वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री नवरतन त्रिपाठी जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो सर का माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे श्री श्री जुगाड़ी जी का। सम्मान का यह पल अब यहाँ पे पूरा होता हुआ, इसके बाद सीधे सीधे मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन जी के वो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे इस बेटी बेचवा के लोकार्पण के लिए। मैं चाहूंगा कि बड़े भैया श्री अमित रंजन जी सम्मान हमारे मुख्य अतिथि को लोकार्पण के लिए यथोचित स्थान पर ले जाए। बम्बई से भी मीडिया आया है, स्वागत है सारे बम्बई के हमारे पुराने मित्र जगने चाहने वाले पूरे। मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद जी श्री रवि किशन जी का माल्यार्पण हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य गायक श्री अमित रंजन जी के माध्यम से होना है, कृपया आप हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे माननीय श्री रवि किशन जी। तालियां आपकी जरूरी है यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी तालियों के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पे आपको देख करके मैं व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा नर्वस जरूर हो गया था, इन तालियों के माध्यम से मेरा थोड़ा सा कीना चौड़ा हो गया। धन्यवाद बहुत बहुत। हालांकि इस कार्यक्रम हमारे भिखारी ठाकुर जी के विषय में भोजपुरी भाषा के लोक नायक जिन्हें हम भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं, इनका जन्म 18 दिसंबर सन 1887 के बिहार के सारण जिले में हुआ था, गांव का नाम था दियारा, इनके पिताजी का नाम दत्त सिंगल ठाकुर जी था और माता का नाम श्रीमती शिवकली देवी था, जिनको पाचन के लिए इनके पास संसाधन बहुत ज्यादा नहीं थे, चूंकि लोकमंच में और तमाम नाटक के कार्यक्रम में इनकी बड़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए गांव छोड़कर के ये खड़गपुर चले गए थे, वहाँ बहुत सारा पैसा इन्होंने कमाया, लेकिन एक बात कही जाती है कि कलाकार का मन ऐसा होता है जब तक कि उसे वो किक नहीं मिलता, जब तक कि उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती, वो सम्मान नहीं मिलता, हमेशा उस चीज की उसे भूख रहती है, और इसी भूख में वापस सुनो उस रामलीला मंचन में और कालांतर में जिसे हम लौंडा नाच के नाम से जानते हैं उसके लिए वे प्रमुख हुए। बाद में इनकी कई सारी प्रमुख रचनाएं रही जिसमें बेटी बेचवा प्रमुख रहा, भाई विनोद, विदेशिया, गंगा स्नान, कलयुग प्रेम, विधवा विलाप
और ननद भुजाई आदि प्रमुख है। इनकी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा मिली। समाज के अनेक कुरीतियों पे इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कुठाराघात किया। इनकी रचनाओं में समतावाद यानी कि समानता का भाव रहता था, साथ ही साथ ग्रामीण समाज का ये यथार्थ चित्रण करते थे और नशाखोरी के प्रति जागरूकता लाए। साथ ही साथ सामाजिक कृतियों पर प्रहार करने के लिए इन्होंने स्वस्थ मनोरंजन का अनुसरण किया था। इसी संदर्भ में और अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बेटी बेचवा गीत के गायक और हमारे उत्तर प्रदेश नाट्य संगीत नाट्य अकादमी के वर्तमान सदस्य बड़े भाई श्री अमित अंजन जी को एक बार जोड़ डालता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज यहाँ आए मिंठा सिंह हमारे यहाँ सबके बड़े भाई गोरखपुर सांसद माननीय रविशंकर जी रवि किशन जी और भारत सरकार संगीत नाटक अकादमी के सदस्य भी हैं। थोड़ा सारे कलाकार इनके सामने थोड़ा नर्वस होते हैं, हो जाते हैं, वैसे मैं भी हो रहा हूँ। और मेरे जीवन का ये बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज मेरे इस एल्बम का लोकार्पण इनके कर कमरे के बाहर हुआ। मंच पे आसीन हमारे पिता तो ये जुगानी भाई, जिनको हम 70-80-90 के दशक में लगातार रेडियो पे सुनते आ रहे हैं, साहित्य जगत के एक बड़े नाम हैं, इनको भी मैं सारा प्रणाम कर रहा हूँ। मंच पे आसीन हमारे बड़े भाई अविनाश शेरसिया जी, आपको भी सारा प्रणाम कर रहा हूँ। मंच पे आसीन हमारे बड़े भाई श्री ज्ञान प्रकाश मणि जी, आपको भी सारा प्रणाम कर रहा हूँ। यहाँ आए सभी मीडिया जगत के लोगों को मैं सारा प्रणाम कर रहा हूँ और मेरे जितने भी कलाकार बंधु हैं, मेरी टीम के जितने लोग हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। बेटी बिछुआ जो कि भिखारी ठाकुर द्वारा रचित एक चर्चित नाटक है, उसका एक अंश है, एक गीत है, जिसमें ये कहा गया है बेटी एक जो 11-12 साल की बेटी है जिसके पिता गरीबी में आके उसे भेज देते हैं, एक 65-70 साल के बूढ़े से उसकी शादी करा देते हैं। तो ये बेटी बिछुआ मैंने क्यों गाया, मैं आपको ये बताना चाहूँ। बेटी बिछुआ में एक नारी का जो त्याग है उसका दर्शन है, एक बेटी का जो शिकायत है अपने पिता से। बेटी हमेशा कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है, मांगती रहती है और पिता उसे जीवन भर पूरा नहीं कर पाता है। तो ये एक बेटी की शिकायत है और साथ साथ उसका त्याग है। वो शिकायत भी करती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया, मैं तो अपने माँ की आंगन की दहलीज की चिड़िया थी, आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया। वो शिकायत भी करती है और अपने उस बुजुर्ग दूल्हे के साथ चली भी जाती है। तो एक बेटी की शिकायत, एक नारी का त्याग और जो कुरीति है जिसपे जो जिसे आप बाल विवाह कह सकते हैं और दहेज प्रथा, इन दोनों पे भी ये बेटी बिछुआ गीत जो है ये कुठाराघात करता है। यही सोच के मैंने इस गीत को गाया और इस गीत को गाने के लिए मुझे प्रेरित करने वाले मुख्यतः मैं मेरी जो टीम के सदस्य हैं, खास तौर से मेरे छोटे भाई अंकित श्रीवास्तव जो म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने किया यही गोरखपुर जी वेब स्टूडियो से हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने निखिल रंजन ने मुझे बहुत कहा कि भैया इसको कीजिए, जरूर कीजिए। और आज का ये जो समय चल रहा है, जो भोजपुरी के अश्लीलता को लेकर हर जगह बहस छुड़ी हुई है, और मैं माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। और पीछे जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि इस अश्लीलता को खत्म करने के लिए हमारी सरकार कानून लाएगी और वो कानून ऐसा होगा कि जो भी अश्लील गीत गाएगा वो सीधे जेल जाएगा। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य कर रही है, हमारा उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा देश होगा जहाँ संस्कृत नीति लागू होने वाली है। संस्कृत नीति हमारे संस्कृत विभाग से, चूंकि मैं भी हूँ, मैं भी संगीत नाटक अकादमी का उत्तर प्रदेश सरकार का सदस्य हूँ, तो संस्कृत नीति की का ड्राफ्ट बन के तैयार है और हमारा प्रदेश इससे ये हमें गौरव प्राप्त होगा कि पूरे देश में पहला संस्कृत नीति हमारे उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला है आदरणीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में। तो ये एक कारण रहा बेटी बेचवा गाने का, क्योंकि आज के समय में जो अश्लीलता का दौर है वहाँ पे इस तरह के गीतों को प्रमोट करना, गाना। और मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया
निश्चित तौर से आपका ये यहाँ आना उन सभी कलाकारों के लिए एक ऊर्जा का संचरण करेगा जो आज एक अच्छा सुगढ़ और समृद्ध भोजपुरी गाने के लिए तत्पर है। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ और इसी के साथ सभी को फिर से प्रणाम करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं उमेश उमंग आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में जो कि हमारे भोजपुरी के लोक नायक, हमारे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले हमारे सत्य परम सत्य भिखारी ठाकुर जी की रचना बेटी बचाओ पे आधारित है। आज उस प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।